वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी ट्रेड। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि RRB NTPC के एडमिट कार्ड जल्द होगी जारी। रेलवे ने कैंडिडेट्स को दी ये सलाह। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार परीक्षा शुरू हो जाने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार पेपर खत्म होने के बाद इविजिलेटर के आदेश के बाद ही अपनी सीट से उठ सकेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पिछले साल RRB NTPC के तहत 35,000 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए फॉर्म जारी किए थे। CBT के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। यह एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू होंगे। एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड में कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम की तारीख समेत कई ज़रूरी जानकारियां मिलेंगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स चेक कर लें कि उसमें दी गई सभी डिटेल्स ठीक हैं कि नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर पर दिक्कत हो सकती है। एक बार परीक्षा शुरू हो जाने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार पेपर ख़त्म होने के बाद इन्विजिलेटर के आदेश के बाद ही अपनी सीट से उठ सकेंगे। रेलवे की ओर से जारी की सलाह में आवेदकों को दलालों और नौकरी घोटालाबाजों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। जो रेलवे में या तो प्रभाव से या अनुचित साधनों का उपयोग करके नौकरी दिलाने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवार केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।